हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टू डिफरेंट वे रायता बनाएंगे। जो रायता हम बिरयानी पुलाव के थेपला के साथ भी खा सकते हैं, तो टू डिफरेंट वे रायता बनाने के लिए यहाँ पे हमने एकदम बढ़िया वाला ठंडा ठंडा दही लिया है। तो दही है ना, बिल्कुल खट्टा नहीं है, और ये दही हमने मटकी में जमाया है। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप क्यूकम्बर को कट किया है, आधा कप गाजर को ग्रेट किया है, आधा कप प्याज को कट किया है, आधा कप कैबेज को कट किया है, आधा कप टमाटर एंड फ्रेश धनिया लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले रायता बनाने के लिए एक बड़े बाउल में 1 कप भर के दही डालेंगे। तो रायता में दही है ना, खट्टा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड का कुरिया, उससे रायता का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। उसके बाद 1/2 स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे हमने लेमन पेपर सीजनिंग लिया है। तो उसमें मस्टर्ड का कुरिया, ब्लैक पेपर पाउडर एंड क्रश किया हुआ लेमन आता है, तो वो मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ऑलरेडी हमने मस्टर्ड का कुरिया एंड ब्लैक पेपर तो डाल ही दिया है, तो लेमन पेपर सीजनिंग आपके पास नहीं है ना तो ब्लैक पेपर पाउडर, मस्टर्ड का कुरिया एंड नींबू को थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, मतलब उसकी स्किन को ग्रेट कर लीजिए, तो उसका फ्लेवर आ जाएंगे। दही को हमने अच्छे से स्मूथ बना लिया है। स्मूथ बनाने के बाद हम उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना, 2 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ प्याज, 2 से 3 टेबल स्पून जितना क्यूकम्बर, उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना टमाटर, 2 से 3 टेबल स्पून जितना केबेज, 2 टेबल स्पून जितना अराउंड फ्रेश धनिया। तो वेजिटेबल्स की मात्रा आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना पसंद है। 1 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ हरी मिर्ची। अच्छे से रायता को मिक्स करेंगे। ढेर सारा वेजिटेबल्स हमने डाला है, लेकिन एकदम बारीक बारीक कट किया था। वेजिटेबल्स से भरपूर मिक्स वेजी रायता बन गया है। तो इस रायता बिरयानी पुलाव पाव भाजी के साथ खा सकते हो। फ्री रायता में आप बूंदी भी डाल सकते हो। बूंदी जब भी रायता सर्व करना है ना तभी डालना है, नहीं तो बूंदी है ना सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको सॉफ्ट बूंदी पसंद है तो अभी डाल दीजिए, लेकिन सर्व करते टाइम भी डाल सकते हो। तो हम ये रायता में बूंदी डाल देते हैं। बूंदी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और ये बूंदी की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो लीजिए, वेजिटेबल्स से भरपूर हमारा रायता बन गया है। अभी हम दूसरा रायता बनाएंगे, क्यूकम्बर का रायता। तो क्यूकम्बर का रायता बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश ताजी छोटी छोटी साइज की क्यूकम्बर लिया है। तो ये क्यूकम्बर को हम ग्रेट करेंगे। क्यूकम्बर के ऊपर से हम स्किन बिल्कुल नहीं निकालेंगे, कि एकदम बारीक वाली है ना, तो स्किन के साथ हम ग्रेट करेंगे। तो ये क्यूकम्बर का रायता है ना वो भी बढ़िया बनता है। तो लीजिए, हमने 1 कप जितना क्यूकम्बर को ग्रेट किया है। आपको जितना रायता बनाना है उतनी क्यूकम्बर को ग्रेट कर सकते हो। तो चलिए, रायता बनाने के लिए फिर से हम बाउल में 1 कप दही डालेंगे। दही डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। उसके बाद 1/2 स्पून जितना मस्टर्ड का कुरिया। तो ये कुरिया को मैंने थोड़ा सा खलबट्टे में
क्रश कर लिया था, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कुरिया डाल के हमने अच्छे से दही को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम ग्रेट किया हुआ क्यूकम्बर डालेंगे। उसके बाद 1/4 कप जितना फ्रेश धनिया, अच्छे से रायता को मिक्स करेंगे। तो ये खीरा का रायता में सिर्फ हमने नमक मस्टर्ड का कुरिया ही डाला है, ज्यादा उसमें मसाला ऐड नहीं किया है। तो लीजिए हमारा ठंडा ठंडा क्यूकुम्बर का रायता भी बन गया है। तो इस तरह से टू डिफरेंट वे आप रायता बना सकते हो। पहला वाला हमने वेजिटेबल से भरपूर बनाया है और ये दूसरा वाला क्यूकुम्बर का रायता। तो ये रायता बिरयानी, पुलाव, पाव भाजी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।